स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से आप अपने पैसों पे बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने किया भी है, फॉर एग्जांपल राकेश झुंझुनवाला जी, फॉर एग्जांपल राधा किशन दामानी जी, फॉर एग्जांपल विजय केडिया जी, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अपनी वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। बट ये सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं बिकॉज दीज आर दी सक्सेस स्टोरीज। बट अनफॉर्चुनेटली द फैक्ट इज ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स वो भी हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पूरा कैपिटल गंवाया है और बहुत बड़े बड़े लॉस खाए। एंड दैट इज वाई हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो इस उम्मीद से कि इस पैसों पे मैं अच्छा रिटर्न कमाऊंगा, तो मेक श्योर आप अपनी स्टडीज करके आ रहे हो, अपनी प्रिपरेशन के साथ आ रहे हो, तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। बिकॉज यस इट इज द फैक्ट कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अपने पैसों पे बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा सकते हो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट द कैच इज इफ एंड ओनली इफ यू नो हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर हमें स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, अगर हमें जानकारी लेनी है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो हम कैसे लें, हाउ टू लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट, और इसी के बारे में आज के इस एपिसोड में बात करने वाले। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, the main question you should have in your mind is, यार प्रतीक फायदा क्या होगा मेरा स्टॉक मार्केट के बारे में जान के, and why should I learn about the stock market? और इसका सीधा सा आंसर ये है कि अगर आप नहीं जानोगे स्टॉक मार्केट के बारे में, अगर आप नहीं जानोगे इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं प्रॉपरली, और अच्छे से अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आपके पैसों की जो वैल्यू है वो घटते जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज नथिंग बट अपनी महंगाई। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, तो मुंबई में 10-12 साल पहले अगर आप 1 BHK का फ्लैट लेने जाओ अच्छी लोकैलिटी में, तो वो फ्लैट आपको 20 से 25 लाख में मिलता था, और इसी सेम फ्लैट को अगर आप आज लेने जाओगे तो उसकी वैल्यू रहेगी अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास। एंड दिस इज नथिंग बट द इन्फ्लेशन, जहां पे साल दर साल चीजों के दाम ग्रेजुअली बढ़ते रहते हैं, और उसी वजह से आपका जो रुपया है उसका बाइंग पावर, परचेसिंग पावर कम होते रहता है अगर आपने उस पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया और उस पैसों को अच्छे से ग्रो नहीं किया उसकी वजह से। एंड दैट इज वाई अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी एसेट क्लास में, तो आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आपको आपके पैसों पे एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न तो मिलने ही चाहिए। And the second benefit of learning about the stock market and investing in the stock market is investing can make you wealthy. जहाँ पे अगर आप अपने पैसों पे बहुत ही अच्छे से compounding सालाना 10-12% के भी रिटर्न अगर कमा लो, तो over a longer period of time आप imagine नहीं कर सकते कि आप अपनी वेल्थ को कितने proportionate में grow कर सकते हो। But if you are learning about the stock market and looking forward to invest your money in the stock market, then make sure you are coming with the correct mindset. यार प्रतीक ये correct mindset क्या होता है invest करने के लिए stock market में? एक correct mindset ये होता है कि अगर आप stock market में invest कर रहे हो अपना पैसा, तो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो ना कि शॉर्ट टर्म के बारे में, बिकॉज कंपनीज को ग्रो होने के लिए टाइम लगता है। कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट 1 या 2 दिन में या फिर 1 या 2 महीने में नहीं डबल कर सकती। अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस को डबल होना है, तो कंपनी के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को भी ग्रो होना पड़ेगा। एंड अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस डबल हो रहा है, तो उसके साथ साथ कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स भी डबल होने चाहिए, और कंपनी के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू डबल 1 या 2 दिन में या फिर 1 या 2 महीने में नहीं होने वाले। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कंपाउंडिंग इज वेरी पावरफुल, और कंपाउंडिंग आपको बहुत ही ज्यादा अमीर बना सकती है। बट द कैच इज कंपाउंडिंग को वर्क करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एंड दैट इज वाई थिंक लॉन्ग टर्म, एंड अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो, तो मेक श्योर करो कि वो पैसों की जरूरत आपको शॉर्ट टर्म में नहीं पड़ेगी, वो पैसा आपका लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में रहेगा। द सेकंड थिंग इज फोकस ऑन द बिजनेसेस इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टू मच ऑन द स्टॉक प्राइसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज स्टॉक प्राइसेस ओनली मैटर्स ट्वाइस इन द स्टॉक मार्केट, वंस व्हेन यू आर बाइंग द स्टॉक एंड द सेकंड व्हेन यू आर सेलिंग द स्टॉक। और ये आपको काम आएगा जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे रहेंगे स्टॉक मार्केट में, जहां पे अगर आपने किसी स्टॉक को बाय किया है और वो स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ गया है, 20-30% डाउन हो गया है, और अगर आपने बिजनेस को अच्छे से एनालाइज किया, आप कॉन्फिडेंट हो उस बिजनेस पे, तो आप कॉन्फिडेंट के साथ अपनी पोजीशन को एवरेज आउट कर सकते हो, जहां पे आपको पता है कि ओवर लॉन्ग टर्म प्राइस विल फॉलो द फंडामेंटल, और उसी वजह से ये स्टॉक प्राइस ज्यादा देर तक सस्टेनेबल नहीं रहेगा, और सूनर और लेटर स्टॉक प्राइस भी अप्रिशिएट हो ही जाएगा। द थर्ड थिंग इज डू नॉट स्पेकुलेट इन द स्टॉक मार्केट। किसी के टिप के भरोसे या फिर किसी ने कह दिया उसके भरोसे इन्वेस्टमेंट ना ही करो तो बेहतर रहेगा, बिकॉज उस इन्वेस्टमेंट पे आपका कॉन्फिडेंट नहीं बिल्ड हो पाएगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एक प्रॉपर माइंडसेट बिल्ड करना है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू रीड दिस बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसल। इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया इस बुक में कि कैसे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में इन्वेस्ट करने से पहले अपना माइंडसेट बिल्ड करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यार माइंडसेट का तो ठीक है प्रतीक, बट ये बताओ कि स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना, समझना और जानना कहां से शुरू करें, कहां से हम इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करें अगर हमें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ यू वांट टू लर्न अबाउट
stock market is subscribing to my channel and pressing the like button. But on a serious note guys, agar aapko stock market ke bare mein basic se jankar chahiye, agar aapko janna hai company ko fundamentally analyze kaise kiya jata hai, balance sheet ko kaise dekha jata hai, profit and loss statement mein jo number rehte hain wo numbers ko evaluate kaise kiya jata hai, P ratio kya hota hai, intrinsic value kaise nikali jati hai aur aisi bahut sari cheeze agar aapko janni hai, then there is a YouTube channel called as Moneybee Institute aur jahan pe unhone bahut hi achhi hindi mein ek fundamental series क्रिएट किए और उसको अपलोड किए, जहाँ पे बहुत ही अच्छे से जानकारी दी गई है कि कैसे फंडामेंटली कंपनी को एनालाइज किया जाता है, कंपनीज के बैलेंस शीट को, कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा कैसे जाता है, पी रेशियो क्या होता है, आरओई आरओसी क्या होता है और कैसे कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है फ्रॉम बेसिक्स. सो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, आई हाईली रिकमेंड कि आपको वो सीरीज जरूर देखनी चाहिए. और इस सीरीज की लिंक भी आपको मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर चेकआउट करना गाइस. आपके बहुत सारे डाउट एंड बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. यू कैन थैंक मी लेटर. द सेकंड थिंग इज ऑलवेज बी अ लर्नर. कीप लर्निंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, कीप लर्निंग अबाउट न्यू कंपनीज, कीप लर्निंग अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच कैन अफेक्ट द स्टॉक मार्केट. बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कभी स्टॉप होने ही नहीं वाली है. एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में नई नई चीजें सीखने, समझने और परखने लगोगे, वैसे वैसे आपका स्टॉक मार्केट का नॉलेज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और वैसे वैसे आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे. बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द कॉन्स्टेंट प्रोसेस एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू ऑलवेज बी अ लर्नर. आई एम अ लर्नर एंड आई कीप लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट द स्टॉक मार्केट एवरी डे. एंड दैट इज व्हाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज जैसे जैसे मैं नई चीजें जानता रहता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, वो सभी चीजें आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ इन वीडियोस के थ्रू. एंड दैट इज व्हाई आई हाईली रिकमेंड आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना चाहिए. Note guys, thank you to be with me in this episode. अगर आपको ये episode पसंद आया हो तो like किए बिना मत जाना इस episode को and subscribe कर दो मेरे channel को, because मैंने अभी बताया क्यों आपको subscribe करना चाहिए. तो subscribe किए बिना मत जाना. मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए episode में, तब तक के लिए goodbye.